वैसे सर आपने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू बेबिका धुर्वे, उनके फादर ने ये पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि आपकी लाइफ में ऐसी मुसीबतें आने वाली हैं, लेकिन मुझे लगता है आपने सीरियसली लिया नहीं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बेबिका ने जो मुझे यहाँ के पता लगी, बेबिका ने कोई स्टोरी लगाई थी दैट उसके फादर साहब ने मेरा फेस रीड करा था और सही सही बोला था। तो उनके फादर साहब बड़े ज्ञानी हैं और जी काफी नॉलेज थी उनको उस टाइम पे भी जब मैं मिला था उनसे। जो उन्होंने चीजें बताई, जो भी था मतलब जो बोला उन्होंने सच हुआ, नो डाउट। बट अब तो चीजें कैसे ठीक करनी है वो उनसे शायद एक बार जाके मिलूं, मैं पूछूं अब फ्यूचर में कैसा रहेगा मेरा, ठीक रहेगा खराब रहेगा, तो दोबारा शायद मिलूं मैं उनसे, मे बी। तो बेबिका से आपकी कोई बातचीत हुई अभी हाल फिलहाल, क्योंकि वो बड़ा कोशिश कर रही थी आपकी फैमिली को रीच करने का। नहीं एक्चुअली मेरे ना डीएम्स नहीं चलते और मुझे पता नहीं लग पाता कि बेबी का कहाँ मैसेज करती है मेरे को, मेरे को मेरे पास पहुंच नहीं पा रहे बेबी का के मैसेज। बेबी का इफ यू वॉचिंग दिस, मुझे यार मिल नहीं पा रहा यार, मेरा नंबर लिखो आपसे।